फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब कोई ठीक ही हो गए। आइए, आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन। ये देखिए, मैंने 2 केजी चिकन मंगवाया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है और इसकी के साथ मैंने 3-4 बड़े प्याज काट कर रख लिए हैं, 2-3 तेज पत्ते हैं, इधर 3 मैं गोटा लहसुन दे रही हूँ, और मसाले के लिए इधर मैंने 2 प्याज काट लिए हैं, लहसुन है 4-5-6 पोट, और इधर कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में आधी 2 काट के 1 इंच रख ली हूँ। आइए हम लोग इसे बनाते हैं। ये देखिए, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इसमें थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि 2 केजी चिकन भी है। इसे मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें तेज पत्ते डाल दूंगी। ये मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें चिकन अच्छे बनते हैं। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक मेरे तेल गर्म हो रहे हैं तब तक मैं इधर मसाले को रेडी कर ले रही हूँ। इसे मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ। पहले मैंने अदरक डाला है, फिर इसमें प्याज डाल देते हैं। ये मैं छोटा जार इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे 2 बार में करके पीसूंगी। इसे बंद कर दे। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसे का सारा कच्चापन निकल गया। इसमें मैं सब कुछ डाल देती हूँ। पहले मैंने तेज पत्ते डाल दिए हैं, प्याज इसमें डाल दिए। प्याज थोड़े अच्छे गोल्डन होते ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। 3 लहसुन भी मैंने डाल दिए हैं, हरे लहसुन हरे पूरे, क्योंकि इसे अच्छे थोड़े लगते हैं इसमें डालने से। ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा हल्का भून लेना है। ये हमारे मसाले पीस गए हैं। अभी मैंने अदरक और प्याज को पीसा है, इसके बाद हम लोग लहसुन पीसेंगे। ये 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, बनाई 2 चम्मच ये क्या आते हैं धनिया, साबुत धनिया है ये, ये 1/4 चम्मच है ये गरम मसाला। इसको मैं इसी में डाल के पीस लूंगी ताकि सारे मसाले इसमें मिल जाएं, अच्छे से पिसा जाएंगे इसे एक बार। हमारे प्याज हो चुके हैं, इसमें अब चिकन डाल दें। अच्छे से ये हो गए। इसे हम ढककर नहीं पकाएंगे क्योंकि ढकने से इसका थोड़ा महक आ जाता है, इसे हम खुले में ही पकाएंगे जिससे कि इसकी गंध से निकल जाए। सारे मेरे फाइन पीस कर तैयार हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। इसमें हम हल्दी डाल देंगे, 1.5 चम्मच मैं हल्दी इसमें दे रही हूँ। इसको अभी अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है चिकन पानी जो थोड़ा सा सूख जाए, इसको अच्छे से मिला लें।
अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में चिकन खाने का कुछ अलग ही स्वाद है। इसे हमारे बच्चे ने बोला मम्मी चिकन बनाओ, इसीलिए आज हमने चिकन लाया है। ये बड़े बड़े मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, इसे मैं लंबे लंबे पतले पतले काट रही हूँ, स्लाइस काट रही हूँ। और मैंने धनिया पत्ते काट के रख लिए हैं। अभी इसमें पानी है, इसी के कारण हम मसाले इसमें नहीं डालेंगे। जब तक ये पानी सूख जाएगा, अच्छे से भूनना है इसको ताकि इसका महक सब निकल जाए। हल्के लाल होने तक इसे हम भूनेंगे, क्योंकि ये महक आ जाती है इसमें भूनने। अच्छे से भूनने के बाद इसमें महक जो है सारी निकल जाती है। फिर हम इसे अभी और 10 मिनट के लिए भूनेंगे। हमारे चिकन अच्छे से भूनकर तैयार हो चुके हैं। इसका कलर कुछ देखिए इस प्रकार हो गया है, देखने में ये लाल लाल लग रहे हैं। अब इसमें सारे मसाले डाले, ये मैं पहले प्याज और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, उसके बाद जो मैंने मसाले सारे पीसे थे उसको मैं डाल दूंगी। ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच डाल देंगे ताकि हमारे अच्छे कलर आ जाए। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं अथी करते हैं, इसीलिए हम लोग हल्का कश्मीरी लाल मिर्च लाल होने के लिए दे देते हैं बस। ये चिकन मसाला, ये छोटा पैकेट है, इसीलिए मैं पूरा डाल दूंगी। ये 2 kg चिकन था, इसीलिए मैंने ये 10 ग्राम का चिकन मसाला जो है पूरा मैंने एक पैकेट डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और नमक भी हम इसी वक्त देंगे ताकि ये अच्छे से नमक मिल जाए इसमें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें। इसमें मैं 4 चम्मच नमक दूंगी, छोटे चम्मच है ये। इसको भुनने के बाद अच्छे से थोड़े, तब जाके मैं टमाटर इसमें डालूंगी। इसको अच्छे से मिला लें। ये हमारे मसाले 5 मिनट तक भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसी वक्त टमाटर डाल दें और टमाटर के साथ ही मसाले फिर भूनेंगे। इसी वक्त धनिया पत्ता भी डाल दें।
और थोड़े से धनिया हमने बचा लिए हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। हमारे घर में ये चिकन के साथ हम लोग ये चपाती आटे गूंथ लिए हैं और इसके साथ रोटी और ये राइस दोनों हम लोग आज बनाएंगे और दोनों के साथ खाना है। इसको ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, इसको हम लोग अब चावल को डाल देंगे इसमें। ये मसाले मेरे भूनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए देखने में ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने भुने निकाल लिए हैं, इसके बाद ये मैं रोटी पे खाऊंगी और अब हम लोग थोड़े इसमें चावल के मुताबिक थोड़ा गर्म पानी डाल दूंगी। इसको एक उबाल आने तक ऐसे ही रहने दे मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद जाके इसको निकाल लेना है। चिकन बनकर तैयार है, ये मैंने रोटी पे बनाया है, भुना हुआ रखा है रोटी और सैलेड है और इधर भुना हुआ चिकन है, इधर मैंने राइस पे भी ग्रेवी वाला रखा है, इसके साथ सलाद है। और ये देखिए बनाने का सिंपल तरीका है। अगर हमारे रेसिपी अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप किस अंदाज में बनाते हैं चिकन वो भी उसके बारे में हमें कमेंट करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।